नमस्कार बच्चों, मैं हरीश सर एक बार फिर आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाए चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के नेक्स्ट पार्ट में। देखिए सभी में क्या निकालना है, फाइंड द क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट निकालना है, आइए हम करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है और फिफ्थ पार्ट के आइए हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब देखिए ये लास्ट में 5 है तो इसका मतलब 2 से तो होगा नहीं, और इनको प्लस करके देखते हैं कि क्या 3 की टेबल्स में आता है सम। आता है तो 3 से हो जाएगा, 5 और 2 7 और 6 13 और 5 18 और 1 19। तो 3 से तो होगा नहीं, 5 से हम डायरेक्ट इसको करेंगे। 5 3 15, 5 1 5 12, 5 2 10, 5 5 25। ठीक है बच्चों, 5 से हो जाएगा ये, 5 6 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25। हम 5 से कर रहे हैं, 5 6 5 1 5, 1 2 5 2 10, 5 5 25। ठीक है बच्चों, 5 से हो जा रहा है ये, 5 2 10, 5 5 25। जी हाँ, 5 से 5 5 25, 5 से 5 1 5। ठीक है बच्चों, ये हमने इसके फैक्टर निकाल लिए हैं और लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा डिसोल्विंग। 15,625 इंटू प्राइम फैक्टर्स, वी गेट, हमें क्या मिला देखिए, हम इसको एक बार फिर प्राइम फैक्टर की जो प्राइम फैक्टर है प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5, हमारे पास 2 ग्रुप बन गए 5 5 के, ये देखिए। ठीक है, आइए इसका क्यूब रूट की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये देखिए क्यूब रूट की फॉर्म में ये होता है, ये क्यूब रूट का साइन होता है, यहाँ पर 3 लिखेंगे। और क्यूब रूट निकालने के लिए अब इस जितने भी ग्रुप बने उनमें से एक एक नंबर आप लिखते जाइए, 5 5 25। तो 15,625 का क्यूब रूट है 25। आइए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, यहाँ पर पार्ट नंबर 6 हम करेंगे और 6 पार्ट का नंबर हम लिख लेते हैं 13,824। आइए इसके भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, और इसमें देखिए 1 पहले इस पे 4 आया हुआ है तो इसका मतलब 2 से हो जाएगा, ये इसको 2 से कर लेते हैं, 2 6 12। ठीक है बच्चों, 1 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4, 2 से 2 3 6। ठीक है, और 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। ये आप कर सकते हैं, चाहे तो डिवाइड करके भी आप देख सकते हैं या साइड में लेके कर सकते हैं। जैसे मैं अभी बताता हूँ, जैसे 2 1 2, देखिए 3 था तो 2 माइनस कर दीजिए, 1 बच गया और 4 ये आ गया, 2 7 14, 14 हो गया तो ये कंप्लीट हो गया। ये यहाँ से 5 है तो 5 2 की टेबल में 5 तो आता नहीं है, इससे कम, 2 2 4। ठीक है, 4 इसमें से माइनस कर दीजिए, 1 और 6 2 8 16, इस प्रकार 2 से 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 से करते जाइए, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 से 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए 2 1 2, आगे 1 है, 1 पे टेबल नहीं चलेगी तो 0 लगा के नेक्स्ट डिजिट लेंगे, 2 8 16। ये ध्यान रखना बच्चों, कई बच्चे क्या करते हैं इसमें गड़बड़ कर देते हैं, ऐसे अगर इसको कर रहे हैं ऐसे तो बच्चे क्या करेंगे, 2 1 2, 2 8 16, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम ये देखते हैं कि एक डिजिट तो ले लिया, आगे 1 1 1 डिजिट लेते हैं, तो 1 पे अगर टेबल नहीं चले तो उसकी जगह 0 लगा के तब नेक्स्ट डिजिट लेनी है, 2 8 16, ऐसे करना है। 2 से फिर 2 5 10, 2 4 8, 2 से 2 2 4, ठीक है, 1 2 7 14, यहाँ पर करते जाइए। अब 3 से होगा ये, 3 9 27,
थ्री, थ्री जा नाइन और थ्री वन जा थ्री। ठीक है बच्चों, ये आ गया। आइए इसको लिख लेते हैं, रिसोल्विंग 13,824 इंटू प्राइम फैक्टर्स, वी गेट, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 13,824। देखिए काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 9 तो हमारे पास 2 है तो 9 लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 3 जाए। देखिए अब ग्रुप बना लेते हैं, 1 ग्रुप बन गया ट्रिपल्स का, नेक्स्ट ट्रिपल्स का 1 ग्रुप बन गया, नेक्स्ट का 1 ग्रुप बन गया और नेक्स्ट का 1 ग्रुप बन गया। आइए इसको अब क्यूब रूट की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये देखिए बच्चों, ये देखिए, अब ग्रुप में से एक एक नंबर आपको निकालना है। इसमें से भी निकाल लीजिए, नेक्स्ट ग्रुप में से भी 1 निकाल लीजिए, 1 नंबर, इसमें से भी 1 नंबर निकाल लीजिए। आइए इनको प्रोडक्ट कर देते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 13,824 का क्यूब रूट आएगा 24। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और इसमें से सीखकर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।